फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ चेन्नेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये बिग साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग स्टिच करेंगे। ये बैग देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है और बहुत ही यूजफुल बैग है। इस बैग को स्टिच करके आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को इसमें सेट करते हुए रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा फोल्डेबल ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस बैग को स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। फोल्डेबल ट्रेवल बैग बनाने के लिए हमने 20x35.5 का देखिए प्लेन पीस लिया है। इसमें हमने वाटरप्रूफ यानी पैराशूट फैब्रिक और बैक साइड में लाइनिंग फैब्रिक यानी हमने नॉन वूवन फैब्रिक को साइड से स्टिच करके अटैच किया है। पैराशूट फैब्रिक फ्रेंड्स थोड़ा सा लाइट होता है, इसलिए हमने इसमें अटैच किया है प्लेन पीस को। अगर आपका फैब्रिक थिक है तो आप उस प्लेन पीस से ही इस बैग को स्टिच करिएगा। तो हमें 20x35.5 का देखिए प्लेन फैब्रिक लेना है और एक हमें ये लाइनिंग फैब्रिक लेना है 20x35.5 का। 6x10 का ये हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और एक हमें लाइनिंग फैब्रिक लेना है और एक हमें ये मेन फैब्रिक लेना है 6x10 का। 10x10 के ये हमें 4 प्लेन पीसेस लेने हैं। देखिए 2 हमने ये मेन फैब्रिक के प्लेन पीस लिए हैं और 2 हमने ये लाइनिंग फैब्रिक के प्लेन पीसेस लिए हैं। 8.5x10 का ये हमने एक मेन फैब्रिक लिया है और एक हमने ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है। 9x14 का ये हमें एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 124 इंच की एक बेल्ट ली है, रेडीमेड बेल्ट ली है हमने। 60 इंच की ये हमें एक बेल्ट लेनी है और ये हमें 8 इंच की एक बेल्ट लेनी है। 1.5x5 का देखिए हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और एक ये हमें मेन फैब्रिक का प्लेन पीस लेना है 1.5x5 का। और ये हमें 7 इंच की जिप लेनी है और इसमें हमें दोनों साइड से 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को दोनों साइड से लॉक करना है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। और 8 इंच की हमें 3 जिप लेनी है और सब में हमें 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को दोनों साइड से लॉक करना है और तीनों जिप में हमें सिंगल रनर लेना है। 9 इंच की ये हमने जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 20 इंच की जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर्स लेने हैं। 2 हमें देखिए डी रिंग्स लेने हैं और 1 हमें ये एडजस्टर लेना है। सबसे पहले हम 8.5x10 का ये दोनों प्लेन पीसेस लेंगे और ये हम 7 इंच की जिप लेंगे और इस जिप को हमें प्लेन पीस में अटैच करना है। देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। जिप को हमने देखिए प्लेन पीस पे अटैच कर दिया है। हमें 8.5 की साइड में जिप को अटैच करना है और अब हम देखिए इसकी दूसरी साइड में आएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हम सीधे मार्क कर देंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे प्लेन पीस को कट कर लेंगे और इस प्लेन पीस को हमें जिप की दूसरी साइड में देखिए ऐसे सेट करना है, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच करना है और बैक साइड में करते हुए इसमें हमें दाग सिलाई देनी है। इस प्लेन पीस को भी हमने देखिए जिप की दूसरी साइड में अटैच कर दिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है दोनों साइड से इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम ये प्लेन पीस लेंगे और ये प्लेन पीस का राइट साइड है और ये प्लेन पीस का राइट साइड, दोनों प्लेन पीस का राइट साइड एक साइड में ऐसे सेट करते हुए इस साइड हम प्लेन पीस को स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे इस साइड भी हम प्लेन पीस को अटैच कर देंगे दोनों साइड से। प्लेन पीस को हमने देखिए दोनों साइड से अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक में और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। प्लेन पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और इस साइड से जिस साइड हमें जिप अटैच की है उस साइड हम प्लेन पीस को बैक साइड में से करते हुए यहाँ पर हम दाग सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे। इस साइड हमने दाग सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे 8.5 की साइड में और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर देंगे। प्लेन पीस में हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 20x35.5 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस में ये 20 का साइड है और ये 35.5 का साइड है तो इस साइड से हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच पे मार्क करते हुए ऐसे हमें सीधे मार्क करना है और ऐसे इस साइड भी 6 इंच पे मार्क करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे।
सिक्स इंच पे सेट करते हुए हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से देखिए मार्क कर लिया है सीधे। और अब देखिए हम 124 की ये हम बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को हम देखिए इस साइड से पहले फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस ने हमने देखिए दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है और ये जो कट लगाया है इस साइड से हम यहाँ पर इस साइड सेंटर का मार्क कर लेंगे और ये बेल्ट लेंगे और इस बेल्ट को हमने जो 6 इंच में मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे और इस सेंटर के मार्क पे इस बेल्ट को हम देखिए ऐसे रखेंगे। ऐसे सेट करते हुए हम पिनअप कर लेंगे। बेल्ट को हमने देखिए इस साइड से पिनअप कर लिया है और यहाँ पर ये जो बेल्ट है यहाँ पर हम देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे चौक से और इस साइड से हम यहाँ पर इसका हैंडल निकालेंगे। तो यहाँ से मार्क वाली लाइन से देखिए ऐसे सेट करते हुए 26 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए बेल्ट में 26 इंच पे देखिए मार्क कर लिया है और इस प्लेन पीस को हम देखिए इसकी दूसरी साइड में ऐसे करेंगे हैंडल निकाल लेंगे और ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन को हमें इस साइड यहाँ पर ऐसे सेट करना है और पिनअप करना है। जैसे हमने इस साइड देखिए पिनअप किया है वैसे ही ऐसे हम सीधे बेल्ट को सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। बेल्ट को हमने देखिए इस साइड भी सेट कर लिया है और अब हम इस साइड भी हैंडल निकालेंगे। तो इस साइड हम यहाँ पर देखिए ऐसे मार्क करेंगे चौक से और मार्क वाली लाइन से हम फिर से 26 इंच पे सेट करते हुए दूसरी साइड भी मार्क करते हुए इसका हैंडल निकाल लेंगे। देखिए 26 इंच पे हमने इस साइड भी मार्क कर लिया है और इस मार्क वाली लाइन को हम दूसरी साइड में भी सेट करते हुए अटैच करेंगे। तो इस हैंडल को हम देखिए ऐसे रखेंगे और ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन को हम इस मार्क वाली लाइन से सेट करते हुए जो मार्क किया है 6 इंच पे इस मार्क वाली लाइन से सेट करते हुए हमें सेंटर में रखना है और इस बेल्ट को पिनअप करना है। बेल्ट को हमने देखिए साइड से पिनअप कर लिया है और इस साइड जो दूसरा पार्ट है बेल्ट का इस साइड से हम इस बेल्ट को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस बेल्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए हम सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। बेल्ट को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है और अब हम इस साइड आएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर 4.5 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और इस साइड से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए 10 इंच पे इस साइड से हम यहाँ पर ऐसे सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे ही हम इस साइड भी ऐसे डाउन करते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे 10 इंच पे। और ये हम प्लेन पीस लेंगे जिसपे हमने जिप को अटैच किया था। तो इस प्लेन पीस को हम देखिए 4.5 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए ऐसे हम देखिए सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए दोनों साइड से पिनअप कर लिया सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और अब देखिए ये जो बेल्ट हमने पिनअप की है इसको देखिए ऐसे ओपन करेंगे और इस प्लेन पीस को इसके अंदर ऐसे रखते हुए हम बेल्ट को सेट करते हुए साथ में अटैच करेंगे इस पॉकेट को। तो हमें दोनों पार्ट्स को लेते हुए पिनअप करना है और ऐसे इस साइड भी देखिए जो बेल्ट है इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर इस प्लेन पीस को ऐसे रखते हुए पिनअप कर लेंगे। देखिए पॉकेट इसमें हमें अटैच करना है। तो और अब हम देखिए इस साइड आएंगे और इस साइड यहाँ पर 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। बेल्ट के ऊपर हमें मार्क करना है और इस साइड से भी 2.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे दूसरी साइड में भी 2.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। 2.5 इंच पे डाउन करते हुए हमने देखिए दोनों साइड से मार्क कर लिया है और अब हम देखिए यहाँ से ये जो हमने बेल्ट दोनों बेल्ट एक साथ अटैच की है इस बेल्ट को फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम स्टिच करेंगे और ये जो मार्क किया है 2.5 इंच पे ऐसे हम टर्न करते हुए ऐसे सीधे स्टिच करेंगे और ऐसे इस पॉकेट को अटैच करते हुए दूसरे मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे स्टिच करते हुए हम इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से बेल्ट को अटैच कर देंगे प्लेन पीस को। बेल्ट को हमने देखिए दोनों साइड से प्लेन पीस में अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड जो हमने 2.5 इंच में मार्क किया था तो यहाँ पर हमें 1 इंच पे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके मजबूती के साथ हैंडल को अटैच करना दोनों साइड से, क्योंकि जब हम सामान इसमें कैरी करेंगे बैग में तो इस साइड से स्टिच लाइन ओपन होने लगती है। और ऐसे इस साइड भी हमने देखिए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके दोनों साइड से हैंडल को अटैच किया है।
और ये जो प्लेन पीस हमने अटैच किया था जिप वाला, इस साइड से भी हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। और ये हमारी एक जिप से पॉकेट बन के रेडी हो गई है और एक हमारी इस साइड से ओपन पॉकेट बन के रेडी हो गई इसमें। और अब देखिए हम 6x10 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और ये हम प्लेन पीसेस लेंगे। पहले हम इस कुल्टेड पीस को लेंगे, ये 6 का साइड है और ये 10 का साइड है। तो 6 की साइड में हम एक साइड से यहाँ पर 1.5 इंच पे ऐसे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे इस कुल्टेड पीस को कट कर लेंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे कट कर लिया है और ये हम 8 इंच की जिप लेंगे और इस जिप को हम कुल्टेड पीस में ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड पे इस कुल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने दोनों साइड से कट कर लिया है और अब देखिए ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस का राइट साइड अपर की साइड में होगा और इसके ऊपर हम इस कुल्टेड पीस को ऐसे रखते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और फ्रेंड्स, जिप अटैच करने के बाद अगर ये पार्ट आपका थोड़ा सा बढ़ गया हो तो एक्स्ट्रा पार्ट को इसको कट कर लीजिएगा। ये हमें 6 इंच पे रेडी करना है, 6x10 का ये कुल्टेड पीस हमें रेडी करना है। और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। कुल्टेड पीस में हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, इस पार्ट को लेंगे। देखिए एक साइड में हमने इस पॉकेट को अटैच किया है तो इसकी दूसरी साइड में हम इस कुल्टेड पीस वाले पार्ट को अटैच करेंगे। देखिए इस साइड से भी हम यहाँ पर 4.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें यहाँ पर सीधे मार्क करना है। 4.5 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और इस साइड से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। 10 इंच पे हम इस साइड से सेंटर का मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी डाउन करते हुए हम मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और इस कुल्टेड पीस को हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और 4.5 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए पिन से सेट कर दिया है और अब हम चौक से राउंड में हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इस साइड में देखिए चौक से मार्क कर लिया राउंड में और अब हम इस पार्ट को लेंगे और ये हम 27 इंच की जिप लेंगे और ये हम 1.5x5 का कुल्टेड पीस और प्लेन पीस लेंगे। पहले हम जिप में देखिए दोनों साइड से इसमें हम डबल रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए हम ये कुल्टेड पीस लेंगे और इस कुल्टेड पीस में हम जिप को देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड देखिए एक साइड में सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे और ऐसे दूसरे साइड वाले पार्ट को हम इसकी दूसरी साइड में देखिए ऐसे रखते हुए हम इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके जिप को कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए दोनों साइड से कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब हम ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे इस साइड रखेंगे और यहाँ पर पिनअप कर लेंगे और इस साइड भी देखिए जिप को हमें अंदर की साइड में करना है और इसके ऊपर हम प्लेन पीस को रखते हुए पिनअप करेंगे। और प्लेन पीस को हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे और इस साइड से ऐसे हम थ्री साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया और ऐसे हमने यहाँ तक स्टिच करके कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब देखिए दोनों कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे पलटकर बैक साइड पर कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में सेट कर लिया है और अब हम देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे देंगे और ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। कुल्टेड पीस में हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए ओपन पार्ट को भी स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब इस साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए इस साइड से कट कर लिया है। देखिए कुल्टेड पीस और प्लेन पीस दोनों नीटली जिप में अटैच हो गए दोनों साइड से और अब हम दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे।
और जिप को हम सेट करते हुए देखिए इस साइड से, दोनों साइड से और इस साइड से चौक से हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम कट लगाकर सेंटर का मार्क कर लेंगे। जिप पे हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और इस क्विल्टेड पीस में हम जिप को अटैच करेंगे। देखिए दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम राउंड में स्टिच करते हुए जिप वाले पार्ट को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब देखिए ये हम 6x10 का मेन फैब्रिक लेंगे और इसको भी हम देखिए 10 की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और इस प्लेन पीस को हम देखिए जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे, तो दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इस साइड से भी हम देखिए दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और जिस साइड हमने देखिए ये क्विल्टेड पीस अटैच किया है उस साइड से हम यहाँ पर 4 इंच का देखिए गैप छोड़ते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करते हुए दूसरे वाले पॉइंट तक स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस की साइड से हमने देखिए 4 इंच का गैप छोड़ते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब चारों कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। कॉर्नर्स में हमने कट लगा लिया है और अब हम इस साइड से पलटकर इसको राइट साइड कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हम बैक साइड में आएंगे और ये जो ओपन पार्ट है क्विल्टेड पीस को देखिए जो स्टिच लाइन है इसको अंदर की साइड में करेंगे और प्लेन पीस को थोड़ा सा देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे हम सेट करते हुए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम राउंड में स्टिच करके दाब सिलाई देंगे और इस साइड से ओपन पार्ट को लॉक कर देंगे। ओपन पार्ट को हमने देखिए फोल्ड करते हुए इस साइड से लॉक करते हुए राउंड में स्टिच करके इस पर हमने दाब सिलाई दे दी है और अब देखिए हम ये प्लेन पीस वाला पार्ट लेंगे और इस साइड जो हमने यहाँ पर इस क्विल्टेड पीस को रखते हुए मार्क किया था इसको हमें देखिए ऐसे रखना है। ये जो जिप वाला पार्ट है ये हमारा अंदर की साइड में होगा, ऐसे हमें अटैच करना है इस क्विल्टेड पीस को। देखिए ये जो सेंटर का मार्क है और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए और ये जो हमने मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे अंदर की साइड में सेट करते हुए हमें जिप को राउंड में स्टिच करके इसको प्लेन पीस से अटैच करना है। तो हम देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे सेट करते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी हम पिन अप कर लेंगे। देखिए ये जो हमने मार्क किया था चौक से और इस साइड जो मार्क किया है दोनों मार्क वाले पॉइंट को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। जिप वाले पार्ट को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके हम अटैच कर देंगे इस प्लेन पीस में। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे सेंटर में ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए ये जो पॉकेट वाला पार्ट है ये हमारा अंदर की साइड में होगा। ये देखिए ये पॉकेट वाला पार्ट अंदर की साइड में होगा और ये पॉकेट देखिए ऐसे इसमें सेट हो जाएगी और अब हम इस जिप को लॉक कर देंगे और अब देखिए हमें 9x14 का ये प्लेन पीस लेना है और इसको हम देखिए 9 की साइड में ऐसे फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क करेंगे और इस साइड से हम देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम देखिए यहाँ पर सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे इस साइड से 1/2 इंच पे सीधे मार्क करेंगे और इस साइड से दोनों साइड से मार्क करते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे। मार्क करके हमने देखिए बॉक्स बना लिया है। देखिए सेंटर के मार्क से हमें 4 इंच इस साइड से और इस साइड से यानी हमें 8 इंच पे सीधे मार्क करते हुए बॉक्स बनाना है। ये हमने देखिए बॉक्स बना लिया है और अब ये हम 20x35.5 का प्लेन पीस लेंगे।
इस प्लेन पीस में एक साइड से 20 की साइड में पहले हम सेंटर का मार्क करेंगे। ये हम देखिए साइड से 10 इंच पे सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम 4 इंच पे डाउन करेंगे। मैंने देखिए डाउन किया और इस प्लेन पीस को हम देखिए 4 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। इनसे हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और अब हम बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने इसमें अटैच कर दिया है और अब हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और जो सेंटर में हमने 8 इंच पे मार्क किया था मार्क वाली लाइन पे ऐसे कट लगा लेंगे। और प्लेन पीस को हम देखिए सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए सीधे कट करते हुए दोनों कॉर्नर्स में वी शेप में कट कर लिया है और अब हम इस प्लेन पीस को बैक साइड में पिनअप कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए बैक साइड में पिनअप कर लिया है और अब हम ये 9 इंच की जिप लेंगे और इस जिप को हम ऐसे रखेंगे। देखिए राइट साइड अंदर की साइड में होगा और हम इस साइड से फ्रंट साइड में आएंगे और जिप को हम सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस में अटैच कर देंगे। जिप को सेट करते हुए हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया प्लेन पीस में और अब हम बैक साइड में आएंगे और इस प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे टर्न करते हुए यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करके इस साइड से लॉक कर देंगे और ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे हटाते हुए स्टिच करेंगे और प्लेन पीस को ऐसे स्टिच करके लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए 3 साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया है और फ्रंट साइड में ये हमारी एक पॉकेट और बन के रेडी हो गई है। और अब देखिए हम ये वाला पार्ट लेंगे और इस हैंडल को हम देखिए ऐसे डाउन करेंगे। ये हम जिप लेंगे 20 इंच की और जिप को हम देखिए प्लेन पीस में देखिए एक साइड से ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे रखते हुए और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। प्लेन पीस का राइट साइड देखिए अंदर की साइड में होगा और जिप के ऊपर हम प्लेन पीस को ऐसे रखते हुए स्टिच करके साइड से अटैच कर देंगे तीनों पार्ट्स को। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है और अब हम इस प्लेन पीस को बैक साइड में कर लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए बैक साइड में ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है। देखिए प्लेन पीस बैक साइड में सेट हो गया है और अब हम देखिए इसकी दूसरी साइड में इस हैंडल को अंदर की साइड में ऐसे कर लेंगे और जिप की दूसरी साइड में इस साइड हमें अटैच करना है। तो देखिए मेन फैब्रिक को हमें पहले ऐसे रखना है, इसके ऊपर हम जिप वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करके जिप के ऊपर हम देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने जिप और प्लेन पीस को अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक में और अब हम इस जिप को ओपन कर लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे बैक साइड में सेट करते हुए यहाँ पर हम दाग सिलाई दे देंगे और ऐसे हम दोनों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को इस मेन फैब्रिक में अटैच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए इस साइड हमने दोनों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को देखिए मेन फैब्रिक पे अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड से लेकिन ये प्लेन पीस इसमें अटैच हो गया है और अब देखिए हम देखिए दोनों जिप को बराबर में ऐसे सेट करेंगे और इसमें हम एक रनर इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से यानी इसमें हम डबल रनर डाल देंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए हम 10x10 के ये हम प्लेन पीसेस लेंगे। 2 हमने देखिए मेन फैब्रिक के प्लेन पीसेस लिए हैं और 2 हमने ये लाइनिंग फैब्रिक के लिए हैं। इसमें से हम एक प्लेन पीस को देखिए इस साइड से यहाँ पर 3.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे इस प्लेन पीस को कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और ये हम 8 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम प्लेन पीस में अटैच करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे, बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे
और ऐसे ही इस प्लेन पीस में भी हम 3.5 इंच पे डाउन करते हुए इसको हम कट करके इस जिप को इसमें अटैच करेंगे। दोनों प्लेन पीस पे हमें देखिए जिप को अटैच कर लिया है। देखिए एक प्लेन पीस को हमने शेप में कट कर लिया था पहले, तो अब हम इस प्लेन पीस को भी शेप में कट करेंगे। तो इस साइड से हम देखिए यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी हम 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर शेप में मार्क करेंगे। देखिए जो 4 इंच पे डाउन किया है इस साइड से हम देखिए ऐसे शेप में मार्क करते हुए 4 इंच वाले मार्क में मिलाते हुए ऐसे हम शेप में मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने शेप में मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे इस प्लेन पीस को कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए एक साइड से शेप में कट कर लिया है और अब देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसकी दूसरी साइड में भी ऐसे ही हम शेप में कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इस साइड भी शेप में कट कर लिया है और अब देखिए हम ये लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे दोनों पार्ट्स को और राउंड में स्टिच करके इस प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस प्लेन पीस पे हम इन दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स पे हमने देखिए लाइनिंग फैब्रिक को राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था इस साइड से उसको हमने देखिए शेप में कट कर लिया है। ये दोनों पॉकेट्स देखिए प्लेन पीस में अटैच हो गई हैं और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स पे हमने सेंटर का कट लगा लिया है और अब हम इसमें से एक पार्ट खोलेंगे और ये जिप वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम इस प्लेन पीस को अटैच करेंगे। ये राइट साइड अपर की साइड में होगा और इस वाले पार्ट को हम इसमें ऐसे सेट करेंगे। ये जो जिप हमने अटैच की है इस साइड का ये सेंटर का मार्क है और इस साइड हमने देखी दोनों साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क पहले बेल्ट अटैच करने से में लगाया था, तो इसको हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और इस साइड जो हमने कट लगाया है और इस कट को दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। ऐसे ही दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम पिनअप कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने सेट करते हुए देखिए पिनअप कर लिया राउंड में और अब देखिए ये हम 1.5 इंच की मेन फैब्रिक की पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से क्योंकि ऐसे हम ऐसे कर लेंगे और इस साइड से हम पाइपिंग को बैक साइड में ऐसे रखते हुए ऐसे हम राउंड में स्टिच करते हुए इस पॉकेट के साथ में पाइपिंग को भी स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पाइपिंग के साथ में राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए ये पार्ट ऐसे हमारा सेट होगा। तो अब हम देखिए जिस साइड से हमने स्टार्ट किया है पाइपिंग को अटैच करना उस साइड से पाइपिंग को देखिए ऐसे अपर की साइड में कर लेंगे और इसको हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे रखते हुए राउंड में स्टिच करके हम पाइपिंग को लॉक कर देंगे और जैसे हमने इस साइड इस पार्ट को अटैच किया है वैसे इसकी दूसरी साइड में हम दूसरे वाले पार्ट को अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है और ये पार्ट देखिए नीटली साइड अटैच हो गया है और ऐसे ही हमने इस साइड भी इस पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड हम यहाँ पर डीरिंग के साथ में बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये हमने 8 इंच की बेल्ट ली है और इसको हम देखिए ऐसे सेंटर से फोल्ड करके कट कर लेंगे। बेल्ट को हमने देखिए सेंटर से कट कर लिया है और ये हम डी रिंग्स लेंगे। इसमें से एक डी रिंग को हम बेल्ट में देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो जिप है इसको ओपन करेंगे और इस साइड ये जो सेंटर का मार्क है सेंटर के मार्क पे देखिए ऐसे थोड़ा सा बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे रखना है और ऐसे सेट करते हुए जो यहाँ पर दाब सिलाई दी है इस साइड से हाफ इंच अपर की साइड में सेट करते हुए स्क्वायर शेप में क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही हम दूसरी साइड में इस डी रिंग के साथ में बेल्ट को अटैच कर देंगे।
दोनों साइड से हमें देखिए पॉकेट को ओपन करते हुए हमने सेट करते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके बेल्ट को डी रिंग के साथ में अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड भी अटैच कर लिया है। देखिए ये स्टिच लाइन हमारी साइड बैक साइड में अंदर की साइड में आएंगी और अब देखिए इसको हम पहले लॉक करेंगे और ये हम 60 इंच की बेल्ट लेंगे और एडजस्टर लेंगे। बेल्ट में हम एडजस्टर को सेट करते हुए अटैच करेंगे और इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम बेल्ट को देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर डबल स्टिच करते हुए बेल्ट को इस साइड से अटैच कर देंगे। डबल स्टिच करके हमने देखिए बेल्ट को इस साइड से अटैच कर दिया है और अब हम इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को देखिए टी रिंग में ऐसे अंदर की साइड में करते हुए ऐसे हम बाहर की साइड में करेंगे और इस एडजस्टर में हम देखिए बेल्ट को ऐसे बाहर की साइड में करते हुए इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को हम दूसरी डी रिंग वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ऐसे रखते हुए यहाँ से ऐसे रखेंगे और इस साइड भी फोल्ड करते हुए बेल्ट को हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस साइड भी मैंने देखिए डबल स्टिच करके बेल्ट को अटैच कर दिया है और अब हमारा ये फोल्डेबल ट्रेवल बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में एक हमारी ये बड़ी पॉकेट है और इसको हम ओपन करेंगे और इस साइड देखिए एक जिप से हमारी पॉकेट है, इसमें अपने सामान को रखते हुए जिप को देखिए ऐसे लॉक कर दीजिए और इस साइड भी अपने सामान को रखते हुए इस साइड से भी ऐसे जिप से लॉक कर दीजिए और ऐसे ही बैक साइड में भी देखिए एक हमारी ये जिप से पॉकेट है और एक हमारी ये बड़ी पॉकेट ओपन पॉकेट है और इस साइड भी एक जिप से साइड पॉकेट है और इस साइड भी ये हमारी जिप से पॉकेट है और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे। अंदर की साइड में देखिए काफ़ी स्पेस है और एक इनर पॉकेट हमारी इस साइड है। इस साइड अपने सामान को देखिए सेट करते हुए इसको देखिए जिप से ऐसे लॉक कर दीजिए और इस बैग को आप देखिए इस हैंडल से शोल्डर से कैरी कर सकते हैं और इस बेल्ट से एडजस्ट करते हुए आप इसको क्रॉस करके भी कैरी कर सकते हैं। और जब आपको इस बैग को ऐसे फोल्ड करके रखना है तो देखिए जिप को ओपन करिए बैग देखिए अंदर की साइड में सेट हो गया है। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूजफुल है। इस बैग को स्टिच करके आप इसमें ज्यादा ज्यादा कपड़ों को सेट करते हुए ट्रेवल के लिए यूज कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वाटरप्रूफ फोल्डेबल ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।